वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया धमाल मचा रही है। रोहित शर्मा की अगुवाई में टीम इंडिया ने एक भी मुकाबला नहीं हारा है। भारतीय टीम अब तक 8 मैच खेली है और सभी में जीत का स्वाद चखा है। टीम ने पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड तमाम बड़ी टीमों को पटकनी दी है। टीम इंडिया के बल्लेबाजों के अलावा गेंदबाज भी कमाल की फॉर्म में है। भारत के सभी गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से तहलका मचा रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर हसन रजा का माथा थोड़ा सा ठनक गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हसन रजा ने एक पाकिस्तानी चैनल पर कुछ ऐसी बातें कही जिसने रातों रात सुर्खियां बटोर ली। रजा का ऐसा मानना है कि भारत के गेंदबाजों को दूसरी गेंद दी जा रही है, जिससे वो दूसरी टीमों के गेंदबाजों से अधिक स्विंग कर रहे हैं और इसका फायदा भी टीम को मिल रहा है। हसन रजा ने इनडायरेक्टली ICC पर भी सवाल खड़े किए। उनका यह बयान लगातार सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसी पर अब भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने अपना रिएक्शन दिया है। मोहम्मद शमी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उस चैनल की एक फोटो शेयर करी और कैप्शन देते हुए लिखा, क्या वाकई में इंडिया चीटिंग कर रहा है? ? शर्म करो यार, आप गेम पर फोकस करो, फालतू की बकवास पर नहीं। कभी तो दूसरे की सक्सेस को इंजॉय किया करो। ये ICC वर्ल्ड कप है, ना कि लोकल टूर्नामेंट। आपके प्लेयर भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा हैं। वसीम भाई ने भी समझाया था, अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन आप लोग अपने ही वसीम भाई की बात नहीं मान रहे। आप बस अपनी तारीफ करने में जुटे हुए हैं। मोहम्मद शमी ने हसन रजा को ट्रोल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि हसन रजा के इस बयान पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम का भी रिएक्शन सामने आया था। अकरम ने भी हसन रजा को आड़े हाथों लिया था और ए स्पोर्ट्स से बातचीत के दौरान कहा था, अपने लोग इस तरह की बात कर अपने ही देश का नाम खराब कर रहे हैं। मैं कुछ समय से यह पढ़ रहा था कि कैसे कैसे बयान मीडिया में आ रहे हैं। मैं भी वैसा ही महसूस करना चाहता हूं जैसा कि ये लोग महसूस कर रहे हैं। ये लोग ऐसी बातें कर पूरा मजा लेते हैं। उन लोगों का दिमाग सही ठिकाने पर नहीं है। बेइज्जती तो अपनी करानी ही है, लेकिन बेइज्जती सारी दुनिया में हमारे देश की भी हो रही है। वसीम अकरम ने आगे कहा था, आप समझिए ये सबसे आसान तरीका है। जो भी टीम टॉस जीतती है, अंपायर उसके पास एक 12 गेंद का डब्बा लेकर जाता है। आपको उनमें से एक गेंद चुननी होती है। अंपायर अपने हिसाब से 2 गेंद चुनते हैं। दोनों बॉल अंपायर अपने पास रखते हैं। इसके बाद फिर जो 8 बॉल बची हुई होती है उनको बॉक्स अंपायर दूसरी टीमों के पास ले जाता है। वहां पर भी दूसरी टीम 2 गेंद चुनती है। इसके बाद अंपायर चौथे अंपायर के पास जाकर ये बताता है कि ये गेंद इस टीम ने चुनी है और ये गेंद दूसरी टीम ने। जब ये बात हो रही होती है तब मैच रेफरी भी वहां पर मौजूद होते हैं। वसीम अकरम ने बहुत ही अच्छे से इस बात को एक्सप्लेन किया, लेकिन उसके बाद भी हसन रजा का ये बयान वाकई में समझ से परे है। वैसे अगर मोहम्मद शमी की इस टूर्नामेंट में बात की जाए तो शुरुआती मैचों में तो उनको प्लेइंग 11 में खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन टूर्नामेंट के बीच में उन्होंने प्लेइंग 11 में एंट्री की और कमाल का परफॉर्मेंस भी किया। अब तक खेले 4 मैचों में शमी ने 26 ओवर की गेंदबाजी में कुल 16 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उनकी औसत 7 की रही। इस वर्ल्ड कप में शमी लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। शमी के अलावा जसप्रीत बुमराह ने भी 8 मैचों में 15.53 की औसत से कुल 15 विकेट चटकाए हैं। बात अगर कुलदीप यादव की जाए तो कुलदीप यादव के खाते में भी 8 मैचों में 12 विकेट देखने को मिले हैं। वैसे आपकी हसन रजा के बयान पर क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर जरूर बताएं।